सोलन के नगर निगम कार्यालय भी कोरोना संक्रमण से अछूता नहीं है। यहाँ भी तैनात कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। इस कार्यकाल में वे कर्मचारी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जो रोज जनता के ज्यादा संपर्क में आते हैं। जैसे पानी और कूड़े के बिल को एकत्र करने वाले कर्मचारी, विभिन्न अनुमति देने वाले कर्मचारी या फील्ड में घूमकर अपनी सेवाएं देने वाले कर्मचारी। अब यहाँ तैनात कर्मचारियों को और सावधानी रखने की आवश्यकता है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि कोरोना संक्रमण फैलने के बाद भी यहाँ पर उस स्तर पर नियमों की पालना नहीं हो रही है जिस स्तर पर होनी चाहिए। आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए, लेकिन कभी कभार ही यहाँ ये सुविधा दी जा रही है। जहाँ कूड़े और पानी के बिल जमा होते हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी जा रही है। नगर निगम ने सोलन के बाजारों में तो सोशल डिस्टेंसिंग के सर्कल लगा दिए, लेकिन जहां वे खुद बिल जमा करवा रहे हैं, वहां सर्कल लगाना भूल गए हैं और ना ही कोई सुरक्षा कर्मी तैनात किया गया है। सोलन नगर निगम के पार्षद मुकेश वर्मा ने भी माना कि नगर परिषद अधिकारियों को कार्यालय में जहां जनता अपने कार्य करवाने ज्यादा संख्या में आ रही है और कतारों में लग रही है, वहां सर्कल लगाने चाहिए ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैले। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले भी नगर निगम में एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आया है। अगर इसी तरह से भीड़ रही और सोशल डिस्टेंसिंग न रखी गई तो ये कोरोना संक्रमण ज्यादा फैल सकता है। इसलिए अधिकारियों को चाहिए कि यहां कोई सुरक्षा कर्मी तैनात किया जाए जो सोशल डिस्टेंसिंग को बनाने में सहयोग करे, आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग हो सके, हाथों को सैनिटाइज करवाया जाए। बिल जमा करवाने आई जनता को भी समझदारी का परिचय देते हुए नियमों की पालना करना चाहिए। आपको दिखाना चाहूंगा, ये सामने देखिए, ये पानी की लाइन है, जहां लोग पानी की लाइन के रूप में खड़े होकर बिल अपना पानी का बिल जमा करवाने आए हैं। अभी एक दो कर्मचारी हमारे कोरोना पॉजिटिव आए हैं, हो सकता है अभी कोई भीड़ के रूप में यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव आया हो, जिसकी वजह से नगर परिषद के कर्मचारी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव की जद में आए हैं। तो ये लोगों को बार बार हम अपील कर रहे हैं, बार बार समाचार पत्रों से, आपके द्वारा टीवी के माध्यम से, इतना बड़ा अभियान हिंदुस्तान के अंदर चला हुआ है COVID-19 के विषय में, भी उचित दूरी बनाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं इतना समझता हूँ भी पढ़े लिखे लोग जो आपके बिल्कुल सामने देख लो, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये आपके सामने बिल्कुल कट्ठे से कट्ठे कोई खड़े हुए हैं जिनके कानों पर कोई जू नहीं रिंगती है। इस तरह का अवेयरनेस जो है, किस प्रकार का अवेयरनेस लोगों के बीच में हो रहा है, बड़े सोच का विषय है। मैं समझता हूँ भी इसके बारे में सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन सही ढंग से लोग करें और प्रशासन उनसे सही ढंग से करवाएं। मैं जगह खाली पड़ी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पूरा प्रांगण खाली पड़ा है। भी मैं आज नगर परिषद के प्रांगण से खड़ा होकर नगर परिषद के कमिश्नर से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से भी, कृपया जहाँ पर पब्लिक प्लेस है, जैसे बिलिंग पब्लिक जमा कराने आती है, तो वहाँ पर एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाएं जो लोगों को समुचित दूरी पर खड़ा रखे, या यहाँ पर कोई गोले के निशान होने चाहिए। इतना बड़ा प्रांगण खाली पड़ा है, यहाँ गोले के निशान डाले जाएँ, जिस गोले के अंदर जो है व्यक्ति खड़ा रहे और अपनी बारी का इंतजार करते हुए अपने बिल का भुगतान करें। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, वो एक टेबल रखा हुआ है सामने, उस टेबल पर सैनिटाइजर और एक मशीन तापमान मापने की जो रखी जाती है, आज वो भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं लापरवाही है, इस लापरवाही को ना हो भविष्य में, इस प्रकार के हमारे नगर परिषद के जो कमिश्नर आए हैं उनको इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।